नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही परिवार एग्री हम में। तो हमने पशुपालन स्टार्ट कर ली थी, इसमें हमने कुछ टॉपिकों पर हम जो चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पशुओं को चिन्हित करना, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो हमने कल भी टॉपिक पढ़ा था पशुओं में सींग रोदन यानी डी हॉर्निंग पढ़ा था, और उससे पहले हमने पढ़ा था पशुओं का वर्गीकरण यानी कि अमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, और इसके अलावा है जो हम पढ़ चुके हैं पशुओं की शब्दावली। तो कुछ एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पशुओं को चिन्हित करना या उन्हें पहचाना। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है पशुओं को चिन्हित क्यों किया जाता है, क्यों पहचानने के लिए उन पर चिन्हित किया जाता है। तो मैं बता देता हूँ कि पशुओं को चिन्हित क्यों करते हैं, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा गांव में जैसे कि भेड़ों को पालते हैं, बकरियों को पालते हैं, है ना। उसी प्रकार जो बड़े डेयरी फार्म होते हैं वो गौओं को पालते हैं, भैंसों को पालते हैं, है ना। तो उनको आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं, उन्हें चिन्हित या दागा क्यों जाता है। तो ऐसा होता है कि जैसे कि आपने देखा है कि हमारे पास जैसे कोई 100 भेड़ है ना, क्योंकि जो 100 भेड़ है माना है उन्हें, है ना, कि माना कि हमारे पास क्या 100 भेड़ है। इनमें से मान लो कि 5 जो भेड़े हैं वो क्या है भाई, बीच में आई हुई है, ठीक है, यानी कि ये प्रजनन योग्य है, इन्हें गर्भित कराना है। तो इनके जो लक्षण है, एक बार तो हमें जो है पता चल गया कि इनमें से ये जो भेड़ है ये क्या है भाई, जो है कि गर्भित कराने के योग्य है। तो अब इनको रोज रोज क्या हमें, एक हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी फ्लूसिंग, क्या पढ़ी थी भाई, फ्लूसिंग पढ़ी थी ना, फ्लूसिंग। फ्लूसिंग में क्या होता है कि भेड़ को 3 से 4 सप्ताह पूर्व क्या दिया जाता है, आहार दिया जाता है, है ना। तो अब इसको रोजाना रोज प्रतिदिन आहार देना है यानी अतिरिक्त आहार रोजाना देना है। तो अब क्या हम सभी को देखेंगे क्या, यानी कि रोज हमारे पास शाम को हम आए 100 जैसे भेड़ है, क्या हम 100 के पास जाकर देखेंगे क्या कि ये भेड़ है ये गर्भित कराने वाली है, ये या ये कराने वाली है, ये कराने वाली है ना। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, इनके पहचानने के लिए इनका क्या कर देते हैं, इनकी पीठ पर पेंटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, इनकी पीठ पर पेंटिंग कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमें आसानी हो जाती है पहचानने के लिए कि इन 100 भेड़ों में से ये 5 भेड़ है, इनको अतिरिक्त आहार देना है। और क्या होता है, और इसके अलावा जैसे कोई गाय है या कोई भैंस है उनमें क्या कर देते हैं, उनमें दागा जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। कोई घोड़ा होता है उसके जो खुर होते हैं उसके ऊपर हूक मार्किंग की जाती है, और भी काफी कारण होते हैं, काफी कारण और क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जनसंख्या की गणना के लिए भैंसों के जो कान होते हैं उनमें भी टैग लगा दिए जाते हैं, या जो पक्षी होते हैं उनके पैरों में छल्ला पहना दिया जाता है, या हम देखते हैं कि सुअर में है तो सुअर में ईयर नोचिंग होती है यानी कि कान काटे जाते हैं पहचानने के लिए। तो अलग अलग पशुओं में अलग अलग तरह की पहचानने की विधियां होती है। इसके अलावा कुछ एक विधियां होती है जिन्हें हम मतलब हो सकता है सुंदरता के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है लगभग कारण होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पशुओं को चिन्हित करना है तो उनकी कौन सी विधियां होती है। देखो पशुओं को चिन्हित करने की विधियां, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टैटूइंग। क्या होता है टैटूइंग, क्या टैटूइंग आप जानते हो, है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज के युग में कोई भी जानता टैटूइंग। टैटूइंग को हिंदी में याद रखना, ठीक है, हिंदी में अगर याद नहीं रहे इंग्लिश में जरूर याद रखना, क्योंकि हिंदी फिर भी हो सकता है इंग्लिश में दे दे, लेकिन इंग्लिश की दूसरी इंग्लिश नहीं है। टैटूइंग को बोलता है गोदना, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, एक मैं बताऊंगा गोदना, एक आएगा दागना, ठीक है ना, गोदना, गोदना आ गया। दो नंबर होता है टैटूइंग, फिर आता है ब्रांडिंग, एक होता है ब्रांडिंग, क्या होता है बच्चों ब्रांडिंग, ये इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसे कहते हैं दागना, हिंदी में इसे कहते हैं दागना, ठीक है। और कौन सा तरीका होता है, और होता है ईयर टैगिंग, और होता है ईयर टैगिंग, और कौन सा होता है, और होता है ईयर नोचिंग, और क्या होता है ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग, और होता है ईयर नोचिंग, और कौन सा होता है ईयर टैगिंग, ईयर नोचिंग, हूप मार्किंग, हूप क्या होता है खुर को कहते हैं ना, तो हूप मार्किंग। हूप
मार्किंग, और क्या होता है, हूप मार्किंग हो गया, हॉर्न मार्किंग, हूप यानी खुर, हॉर्न यानी सींग, हॉर्न मार्किंग। और कौन सा मेथड काम में लेते हैं, पेंटिंग, और कौन सा लेते हैं पेंटिंग, ये हम क्या कहते हैं, रंगना या रंग लगाना, जो भेड़ों में काम में ली जाती है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और कौन सा लेते हैं, टैगिंग, देखो एक तो था ये टैगिंग, एक है टैगिंग, दोनों की अलग अलग है, आप हम इस पर चर्चा करेंगे टैगिंग। टैगिंग जिसे और क्या बोलते हैं, रिंगिंग, रिंगिंग, और क्या बोल सकते हैं इसको, वल्ले, है ना। तो देखो कौन सी विधि है, सबसे पहले टैटूइंग या गोदना, तो नाम से पता चल रहा है टैटू। टैटू क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि शरीर के कोई भी एक अंग होता है, शरीर का कोई भी एक अंग होता है, उस पर है जो काली डाई भी, जो काली डाई है वो भरी जाती है। तो मनुष्य में भी प्रचलन है इसका, और पशुओं में भी प्रचलन है। जैसे आपने देखा होगा जो कालबेलिया जनजाति होती है उसमें है, जो यानी कि शरीर के कोई ना कोई भाग पर है वो, कोई ना कोई अंग पर है वो क्या करते भी टैटू है जो बनवाते हैं, जिससे उसका पता चल जाता है कि ये जो है कालबेलिया जनजाति से संबंध रखता है। तो उसी प्रकार पशुओं में जो टैटूइंग है वो कहां करते भी, पशुओं में टैटूइंग का जो स्थान होता है वो कहां होता है, कान होता है, कहां होता है, कान के अंदर जो मुलायम त्वचा होती है, ये जो करते हैं ना टैटूइंग, ये करते हैं बचपन के 7 से 14 दिन यानी 1 से 2 सप्ताह में ही टैटूइंग की जाती है। जो कान के अंदर की मुलायम त्वचा होती है वहां पर जो गोदा जाता है यानी कि टैटूइंग की जाती है, ठीक है। फिर होता है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग होता है उसे बोलते हैं दागना। ये 2 प्रकार की होती है, स्थाई और अस्थाई, इसमें गर्म दागना और जो ठंडा दागना, 2 प्रकार की होती है। गर्म दागना होता है वो अत्यधिक स्थाई प्रकार की होती है, और ठंडा दागना वो अस्थाई प्रकार की होती है, ये भी हम आगे देखेंगे। ईयर टैगिंग में क्या होता है, ईयर टैगिंग में क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि पशुओं की जो होती है पशु गणना होती है, उसके लिए क्या करते हैं, उनके कानों में है एक टैग बनाया जाता है येलो कलर का, आपने देखा हुआ होगा, तो उसे बोलते हैं ईयर टैगिंग। अब ये पूछ लिया जाता है कि ईयर टैगिंग किस में की जाती है, तो गाय या भैंस में कह सकते हैं, और टैगिंग किस में की जाती है, तो ये की जाती है पक्षियों में, मुर्गियों में विशेषतः, ठीक है ना। ईयर टैगिंग तो है गाय भैंस में, लेकिन ईयर नोचिंग में क्या होता है कि कान को वी की शेप में काटा जाता है, ये भी हम आगे देखेंगे। ईयर नोचिंग में क्या होता है, कान को वी शेप में काटा जाता है, तो ईयर नोचिंग का संबंध है सूअर से, लेकिन ईयर टैगिंग का संबंध है गाय भैंस से, ठीक है। फिर है हूप मार्किंग, हूप मार्किंग में क्या होता है, जो खुर होते हैं, इन खुरों, जो खुर होते हैं ना, इन खुर पर क्या करते हैं, विशेष प्रकार के नंबर होते हैं, उनको गोद दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। हॉर्न मार्किंग में क्या होता है, जो सींग होते हैं, सींगों को क्या कर देते, भी एक विशेष कलर कर देते हैं, हरा है, लाल है, पीला, कोई भी प्रकार का। फिर होता है पेंटिंग या रंगना, अब ये इंपॉर्टेंट रखना कि पेंटिंग और रंगना किस में, ये भेड़ों में ज्यादातर अपनाया जाता है। भेड़ों में क्यों अपनाया जाता है, ये हमने बात कर ली है कि भेड़ों पर एक रंग लगा दिया जाता है पीठ पर। फिर होता है टैगिंग, रिंगिंग या वल्य, ये पक्षियों में अपनाया जाता है, ठीक है। तो आगे की हम देख लेते हैं क्या क्या रहता है। देखो सबसे पहले तो है कि जो चिह्नित करना है उनकी कितनी विधियां, उसकी वैसे देखे तो 2 प्रकार की होती है, विधियां तो हमने कई पढ़ ली, लेकिन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थाई, दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थाई और एक होती है अस्थाई, ठीक है ना, एक होती है अस्थाई, एक होती है अस्थाई। स्थाई का मतलब क्या हो गया, यानी कि जिसको हमने एक बार कर दिया वो लगभग जीवन भर रहती है। अस्थाई का मतलब भी होता है कि जिसको हमने लगा दिया वो वापस मिट भी जाती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी स्थाई है, निम्न में से कौन सी अस्थाई है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो स्थाई की हम बात करते हैं, सबसे पहले दागना या ब्रांडिंग, देखो दागना या ब्रांडिंग में से स्थाई नहीं है, ये होती है अस्थाई प्रकार की, ठीक है ना। जो स्थाई होती है वो होती है सिर्फ टैटूइंग या गोदना। दागना या इसको बोलते हैं ब्रांडिंग, ब्रांडिंग होता है इंग्लिश का नाम, दागना होता है हिंदी का नाम। उचित स्थान कौन सा होता है, यानी कि ब्रांडिंग कहाँ की जाती है, तो जांग का। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ब्रांडिंग या दागना के लिए शरीर का कौन सा अंग काम में लिया जाता है, या टैटूइंग के लिए कौन सा अंग काम में लिया जाता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दागने या ब्रांडिंग के लिए जांग का निचला हिस्सा काम में लिया जाता है। तो आप देख सकते हो ये गाय है, इस गाय में क्या है, यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर है या डिजिट है, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये नंबर ही लिखे, ए लिख सकता है, बी लिख सकता है,
एक लिख सकता है, दो लिख सकता है, इसमें कोई भी निश्चित नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो इसमें यहाँ पर कुछ भी लिख दो, एक लिख दो, दो लिख दो, तीन लिख दो, है ना। तो जो जांघ का जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें पशु के दागा जाता है या ब्रांडिंग की जाती है, ठीक है। फिर है दो प्रकार की होती है, यानी कि ब्रांडिंग या दाग ना, वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ठंडी विधि, एक होती है ठंडी विधि, एक होती है गर्म विधि, एक होती है ठंडी विधि और एक होती है गर्म विधि। ठंडी विधि होती है वो कम स्थाई होती है, गर्म विधि है वो क्या होती है भी ज्यादा स्थाई होती है। ठंडी विधि को हम और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, कोल्ड मेथड, है ना, और गर्म विधि को हॉट मेथड, है ना, हॉट मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक तो याद रखना कि ये दो प्रकार के होते हैं, ठंडी और गर्म विधि। फिर याद रखना कि जो ब्रांडिंग या दागना होता है उसमें कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, तो नाम से ही है ब्राडम तेल। कौन सा? ब्राडम तेल, या इसको बोलते हैं ब्राडेक्स, या इसको बोलते हैं ब्राडेक्स वैक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक ना, दोनों ही बोला जाता है। नाम से पता चल रहा है, नाम है ब्रांडिंग, इसी से ब्राडम तेल या ब्राडेक्स वैक्स, दोनों साथ में नहीं आएंगे। तो पशु के जांग पर नंबर या चिन्ह, यानी कि जो ये नंबर या चिन्ह होता नहीं है, जैसे आपने देखा ये एस प्रकार का है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसके तेल में डुबोएंगे और डुबोने के बाद पशु के पीठ के ऊपर यहाँ पर जो लगा दिया जाता है, जिससे ये इस प्रकार का नाम बन जाता है। ये जब लगाया जाता है ना, तो यहाँ से जो त्वचा के जो बाल होते ना, ये बाल यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का आकार बन जाता है। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि हम इसको दागेंगे और दागने के बाद यहाँ से खून नहीं निकलेगा। अगर खून निकलेगा तब तो पशु को बीमारी हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसमें ब्राडम के तेल में डुबाया जाता है और यहाँ से लगाने के बाद ये जो है जो अपने यहाँ से बाल रिमूव हो जाते हैं। और ये ज्यादातर किस में अपनाया जाता है, गाय भैंस में, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर क्या इस भेड़ बकरी में नहीं अपनाया जाता, ये ज्यादातर किस में, ये विधि है जो गाय व भैंस में अपनाई जाती है। भेड़ बकरी में इसलिए नहीं अपनाई जाती है क्योंकि भेड़ बकरी में जो आपको पता है ऊन होती है वो बड़ी होती है, इसलिए जो है इसमें जो क्या कि ऊन है वो ज्यादा जल्दी से मतलब बाहर नहीं होती है, क्योंकि जो ऊन है ज्यादा बड़ी होती है, इसके कारण जो स्पष्ट रूप से जो ये नाम नहीं दिखता है। गाय भैंस में जो त्वचा के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, इसके कारण जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे दिया जाता है ना। फिर दूसरी विधि है गर्म विधि। गर्म चिन्ह या नंबर, देखो ये होती है कम स्थाई, कई बार पूछ ले दोनों में से स्थाई ज्यादा कौन सी है, कम कौन सी है, तो ये होती है कम स्थाई, ठीक है ना, ये होती है कम स्थाई और ये होती है स्थाई विधि। गर्म विधि, गर्म चिन्ह या नंबर को शरीर पर जोर से दबाकर लगाया जाता है, ठीक है। फिर है गोदना या टैटूइंग, इंपॉर्टेंट है गोदना या टैटूइंग। तो टैटू उपयोग किस में लिया जाता है, गाय है भैंस में, गाय व भैंस में ज्यादातर प्रचलित है, पशु के कान के। अब ये याद रखना, जैसा कि हमने पढ़ा कि ब्रांडिंग या दागने के लिए शरीर का कौन सा भाग काम में लिया जाता है, तो आपको पता है जांघ का निचला हिस्सा। उसी प्रकार याद रखना कि टैटूइंग के लिए शरीर का कौन सा हिस्सा है जो काम में लिया जाता है, तो टैटूइंग के लिए कान, ठीक है ना। तो टैटूइंग के लिए कान के अंदर की मुलायम त्वचा पर टैटूइंग यंत्र के द्वारा, कौन सा यंत्र भी, टैटूइंग यंत्र के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एक निशान बना दिया जाता है। चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है, ये याद रखना, मैंने आपको कल भी बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री में जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम सबसे उपयुक्त विधि, कोई भी हम टॉपिक पढ़े आए तो वो आपको मुख्यतः याद रखना है, ठीक है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि डीहोर्निंग के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो रासायनिक विधि होती है। दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि होती है। तो ये कुछ कुछ टर्म है जो याद रखनी है। उसी प्रकार है, अगर आपको पूछ ले कि चिन्हित करने की, यानी कि सभी में से आपको पूछ ले कि चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आप करोगे टैटूइंग या गोदना। न आप दागना करोगे, न आप पेंटिंग करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ करना है गोदना या टैटूइंग, ठीक है। तो चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है, उम्र याद रखना, उम्र कितनी होती है, 1 से 2 सप्ताह, यही हमने पढ़ा था, 1 से 2 सप्ताह, या इसको कह सकते हैं 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन, ठीक है ना, 7 से 14 दिन। तो यही, और किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था डॉकिंग के लिए, है ना, कि डॉकिंग के लिए, डॉकिंग किस में अपनाई जाती है, डॉकिंग
बात की जाना डॉकिंग, भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया डॉकिंग होती है, जिसके लिए उपयुक्त उम्र 1 से 2 सप्ताह या 7 से 14 दिन होती है। उसी प्रकार डी होनिंग में भी हमने पढ़ा था, तो तीनों के आगे 7 से 14 दिन, ठीक है। फिर इस प्रकार से ये हम डायग्राम देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से इसका कान है, ठीक है, छोटे बच्चे का, और इस कान के ऊपर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। तो इसकी जो मुलायम त्वचा है, इस मुलायम त्वचा पर क्या भी एक डिजिट लिख दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि ए ही लिखे, कोई भी हम लिख सकते हैं। इसमें एक और बी लिखा हुआ है, तो इसमें क्या किया जाता है कि त्वचा के अंदर जो काली डाई भर दी जाती है, ठीक है ना, काली डाई भर दी जाती है, जिसके कारण ये क्या स्थायी तरीका है, क्योंकि ये जो जीवन भर रहेगा, जैसे जैसे कान बड़ा होगा ये भी बड़ा होता जाएगा। फिर है 3 नंबर कान कतरना, हिंदी में कहते हैं कान कतरना, इंग्लिश में कहते हैं ईयर नोचिंग। दो टर्म आएंगे, एक होता है ईयर नोचिंग, ए होता है, एक होता है ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग होता है उसमें तो टैग पहनाया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि इस प्रकार से एक टैग होता है पीले कलर का, जो भैंसों में ज्यादातर पहनाया जाता है। लेकिन ईयर नोचिंग किसमें की जाती है, ईयर नोचिंग का संबंध है सुअर से, ईयर नोचिंग का संबंध है सुअर से, ईयर नोचिंग का संबंध है सुअर से। सुअर के कान में इस प्रकार से वी आकार की शेप में इसको कान को काटा जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ईयर नोचिंग में किस आकार में है जो कान काटा जाता है, तो ये भी याद रखना वी आकार में, ठीक है। फिर है कान कतरना किस में प्रचलित है भाई, सुअर में प्रचलित है। इस विधि में सुअर के कान पर वी आकार का कट लगाया जाता है, वी आकार का कट लगाया जाता है। नेक्स्ट है आगे की हम बात करते हैं कि अस्थायी विधि, ठीक है, ईयर टैगिंग। तो ईयर टैगिंग है, अब देखो कान काटना तो ईयर नोचिंग भी क्या अस्थायी विधि है, क्योंकि कान काट दिया ऐसा तो है नहीं कि आज कान काटा है साल के बाद वो कान दोबारा वैसा ही हो जाएगा, है ना। तो जो कान काटा है वो तो वैसे कटा हुआ ही रहेगा, तो वो भी क्या थी, स्थायी विधि थी। फिर है ईयर टैगिंग, ईयर टैगिंग क्या है, अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि कैसी है, जैसे ये टैग होता है ना, आपने देखा होगा ये टैग है, इस टैग को हम कभी भी हटा सकते हैं, आज लगाए हैं तो शाम को हटा दो, है ना। तो ईयर टैगिंग क्या है, पशुओं को चिन्हित करने की अस्थायी विधि है, और बाकी तीन वो क्या थी, स्थायी विधि थी। कान में कुड़की डालना ज्यादातर गाय व भैंस में प्रचलित होता है। फिर है वूल मार्किंग या पेंटिंग करना, तो ये भी क्या है, अस्थायी विधि है, क्योंकि ऊन के ऊपर हमने पेंटिंग लगाई है, तो ऊन की साल में 2 बार कटाई करते हैं, जब हम ऊन को कतरेंगे तो वो पेंटिंग है वो उतर जाएगी। तो ये भी किस प्रकार की भी अस्थायी विधि है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनने की ज्यादा संभावना रहती है कि पशुओं को चिन्हित करने की निम्न में से स्थायी विधि कौन सी है, निम्न में से अस्थायी विधि कौन सी है। तो वूल मार्किंग जिसे बोलते हैं पेंटिंग, ठीक है ना, तो वूल किसे कहते हैं, ऊन को कहते हैं, है ना। ऊन पर रंग लगाना, ऊन पर रंग लगाना, इससे ऊन की गुणवत्ता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ऊन की गुणवत्ता वो खराब हो जाती है। उद्देश्य क्या होता है, प्रजनन की पहचानने हेतु। तो ये यहाँ से मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो भेड़े होती हैं उनके ऊन पर रंग क्यों लगाई जाती है, या भेड़ों को पेंटिंग क्यों लगाई जाती है, तो प्रजनन की पहचान के लिए। फिर है टैगिंग, रिंगिंग या वल्ले। देखो ईयर टैगिंग किसमें थी, भैंस में, ठीक है ना, ईयर टैगिंग गाय हुए भैंस में। ईयर टैगिंग थी गाय हुए भैंस में, लेकिन टैगिंग या रिंगिंग या वल्ले ये किसमें थे, पक्षियों में होती है, पक्षियों या मुर्गियों में प्रचलित होती है। पक्षियों के गले पंख व पैरों में प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के टैग पहनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ना, यहाँ पर ये पहनाएंगे ना, इस प्रकार से टैग पहना दिए जाते हैं। हॉर्न मार्किंग, हॉर्न मतलब क्या होता है, सिंग मार्किंग यानी रंग लगाना, सिंगों पर रंग लगाना। तो इस प्रकार से गाय है, इनके जो सिंग है वो रंग दिए गए है ना, लाल और हरे कलर के। हेयर कटिंग, तो ये आपको पता है उस्ता कला, आपको पता है उस्ता कला इंपॉर्टेंट होती है, उस्ता कला, उस्ता कला ऊंट पर की जाने वाली जो कटिंग होती है उसे बोलते हैं उस्ता कला, ठीक है ना। तो ऊंट के बालों को काटना, विभिन्न प्रकार के इसमें जो डिजाइन बनाए जाते हैं। फिर है हुप मार्किंग, हुप मतलब क्या होता है, खुर होते हैं, है ना। तो घोड़े में ये मुख्यतः घोड़े में अपनाए जाते हैं, घोड़े में खुर पर रंग लगाना, घोड़े में खुर पर रंग लगाना क्या होता है भी, हुप मार्किंग होता है। या घोड़े पर जो जो घोड़े के जो अपने खुर होते हैं, इस खुर पर क्या कर देते हैं, इस प्रकार से डिजिट लगा दी जाते हैं, जो 3081 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही था हुप मार्किंग, ठीक है। तो हमने आज के जो वीडियो में है जो चर्चा की है कि पशुओं को चिन्हित करना, है ना, पशुओं को चिन्हित करना, पशुओं को चिन्हित है जो हमने पढ़ा कि
कितना होता है कि एक होती है स्थायी विधि, एक होती है अस्थायी विधि। स्थायी विधि में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो होता है टैगिंग या गोदना, एक होता है ब्रांडिंग या दागना, और एक होता है हमने क्या पढ़ा है, दागना गोदना, और हमने पढ़ा है एक ईयर नोचिंग, है ना, ईयर नोचिंग। ये भी क्या थी, स्थायी विधि थी। अस्थायी विधि में भी हमने काफी प्रकार की पढ़ी है कि पेंटिंग हो गया, टैगिंग हो गया, या जो इसमें पशुओं में होता है कि ईयर टैगिंग हो गया, और हमने पढ़ा है हुक मार्किंग, वूल मार्किंग, है ना। तो इस प्रकार से हमने स्थायी और अस्थायी जो है बातें कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है पशुओं में बद्याकरण, पशुओं में बद्याकरण जिसे बोलते हैं। तो पशुओं में बद्याकरण वो क्यों किया जाता है भाई, वैसे तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, है ना, टर्मिनोलॉजी में है जो इसके बारे में हमने चर्चा की थी, पशुओं में बद्याकरण, वो तो था टीजर बुर और बुल्लक, उतना ही पढ़ा था। लेकिन यहां से हम जो है एक टॉपिक के रूप में पूरा इसके बारे में जानते हैं कि पशुओं में बद्याकरण क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। तो पशुओं में बद्याकरण, देखो पशुओं में बद्याकरण क्यों करते हैं, क्योंकि पशु में बद्याकरण पशु का तकनीकी विधि द्वारा नसबंदी करना हो, वो क्या होता है, बद्याकरण होता है कि पशुओं का तकनीकी विधि द्वारा नसबंदी करना क्या होता है, बद्याकरण होता है। नर पशुओं में वृषण को हटाकर समाप्त कर देना ताकि वह अपने लैंगिक लक्षण प्रदर्शित नहीं कर सके, उसे क्या कहते हैं, बद्याकरण कहते हैं। बद्याकरण में क्या होता है, देखो एक होता है टीजर बुल, एक हमने पढ़ा है बुल्लक। क्या करते हैं कि जो पशु का जो नर जनन तंत्र होता है, पशु का नर जनन तंत्र होता है, उसको नर जनन तंत्र को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जब इसको पूरे को समाप्त कर देते हैं उसे कहते हैं बद्याकृत, यानी बुल्लक कहते हैं। क्या कहते हैं, बुल्लक कहते हैं। और जब इसकी एक नस को बंद किया जाता है, जब इसकी एक नस को ही बंद किया जाता है नर पशु की, तो उसे बोलते हैं टीजर बुल। तो उसे क्या बोलते हैं, टीजर बुल। टीजर बुल का क्या होता है कि टीजर बुल में है जो एक नस बंद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये संभोग तो कर सकता है लेकिन किसी भी मादा पशु को गर्भित नहीं करा सकता। इसलिए क्या करता है, जो अपने डेयरी फार्म होता है यानी कि काफी जो गाय है भैंस है वहां रहती है, तो उनमें क्या करता है टीजर बुल को छोड़ देता है। और टीजर बुल क्या करते हैं कि इन गाय या जो भैंस है, यानी कि जैसे कोई भैंस के पास गया, ये भैंस जो हीट में आई हुई है, तो हीट में आई हुई भैंस के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें से ये भैंस जो हीट में आई हुई है, तो अब हमें इसे जो गर्भित कराना चाहिए। तो गर्भित कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोई भी अच्छी नस्ल का हमें जो बुल लाएंगे और उसके साथ इसका जो संभोग करवाकर इसको गर्भित कराएंगे। तो बद्याकरण का जो इसका यही एक तो मुख्य उद्देश्य होता है कि हम एक तो टीजर बुल प्राप्त कर लेते हैं, टीजर बुल से हम जो है कि पशुओं को पता चल, पशुओं का पता चल जाता है कि इनमें से ये पशु जो क्या कर सकता है भाई, मध्य में आया हुआ है और इसको हमें अभी गर्भित कराना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है कि हमें जिस नस्ल से, कोई भी नस्ल से हमें जो उसका संभोग कराना चाहिए, हम उसके साथ नहीं करा पाते हैं, तो फिर इसको क्या करते हैं, टीजर बुल को छोड़ते हैं, जिससे मादा पशु का हमें पता चल जाता है कि ये मादा पशु है वो हीट में आई हुई है, अब हम इसको गर्भित कराना चाहिए। तो टीजर बुल हो गया। और बुल्लक में, बुल्लक का क्या फायदा होता है कि बुल्लक में क्या करते हैं कि इसके जो नर पशु होता है उसका नर जनन तंत्र है वो समाप्त कर दिया जाता है। नर जनन तंत्र समाप्त करने के बाद जो भी ऊर्जा होती है, यानी कि जो भी ऊर्जा पहले वीर्य बनने में लग रही थी, अब वो ऊर्जा है वो किस में लगने लगी हुई, शरीर बनने में। अब वो ऊर्जा है वो शरीर में बनने लगी, यानी कि अब वो जो ऊर्जा शरीर बनने में लगेगी, यानी कि उसके जो शरीर का मास है वो बढ़ेगा, बॉडी वेट है वो बढ़ेगा, कार्य क्षमता में भी इसका जो ऊर्जा काम में आएगी। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, सींग रोदन क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो, है ना, क्योंकि ऊर्जा तो लगती है, तो वो ऊर्जा अब नष्ट न हो वीर्य में, तो वो ऊर्जा किस में लगेगी, उसके शरीर में मांस बनने में लगेगी, और उसका जो शरीर का जो मांस बनेगा वो क्या होगा, ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो बद्याकरण करने का एक तो उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक मांस प्राप्त करना, एक होता है कि उसकी ऊर्जा भी ज्यादा बढ़े शरीर की, नर पशु की, जिससे उसको कृषि कार्य में हम काम में ले और ज्यादा उसमें ऊर्जा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पशु का तकनीकी विधि द्वारा नसबंदी करना ही क्या कहलाता है, बद्याकरण कहलाता है। नर पशुओं में वृषण को हटाकर समाप्त कर देना ताकि वह अपने लैंगिक लक्षण प्रदर्शित नहीं कर सके। बद्याकृत नर पशु को बुल्लक कहा जाता है, याद रखना, क्रम याद है कि
बद्यकृत नर पशु को क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। उसी प्रकार देखो अलग अलग होता है। अब आपको पूछ ले कि बद्यकृत नर मुर्गा क्या कहलाता है, तो हमने पढ़ा था कैपेन कहलाता है ना, कैपेन कहलाता है। अगर आपको पूछ ले कि भेड़ का बद्यकृत नर क्या कहलाता है, तो विड्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विड्र, ठीक है ना। इनो इंपॉर्टेंट है कि बद्यकृत नर पशु गाय भैंस का क्या कहलाता है, बुल्लक कहलाता है, मुर्गा क्या कहलाता है, कैपेन कहलाता है, और भेड़ का बद्यकृत नर पशु है वो विड्र कहलाता है, ठीक है। फिर इसका उपयोग क्या होता है, एक तो हो गया मांस उत्पादन के लिए, हमने बात कर ली है कि बद्यकृत नर पशु उसका मांस है वो अच्छी क्वालिटी का होगा और ज्यादा मांस उत्पादन होगा। फिर कृषि कार्यों में काम में अच्छा आएगा और वजन उठाने में भी इसका काम में लिया जाता है। फिर याद रखना, जैसा कि हमने पढ़ा है कि डॉकिंग की उम्र क्या होती है, डी बिकिंग की उम्र क्या होती है, या हमने अन्य में भी चर्चा की है कि किसकी कितनी उम्र होती है ना, तो उसी प्रकार याद रखना कि बद्यकरण करने की उपयुक्त उम्र कितनी होती है, तो 1 वर्ष होती है। और कई बार इसको क्या लिख देता है, 12 माह लिख देता है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है ना, क्योंकि आपको पता है कि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तब काफी प्रेशर होता है तो याद नहीं आता है, तो 1 वर्ष या 12 माह है ना, 10 से 12 माह भी इसकी रेंज आ सकती है। तो बद्यकरण करने की उपयुक्त उम्र 1 वर्ष होती है। बुल्लक सभी वृषणों को हटा देते हैं, सभी वृषणों को हटा देते हैं, उसे कहते हैं बुल्लक। और टीजर बुल का याद रखना, सिर्फ शुक्र नलिकाओं को ही हटाते हैं, तो याद रखना कि टीजर बुल है एक नसबंदीकृत पशु, टीजर बुल है एक नसबंदीकृत पशु, और बुल्लक होता है बद्यकृत, बुल्लक होता है बद्यकृत, ठीक है ना। दोनों याद रखना कि बद्यकृत नर पशु होता है बुल्लक और नसबंदीकृत पशु होता है वो होता है टीजर बुल, ठीक है। फिर है बद्यकरण की विधियां कौन कौन सी होती है और बद्यकरण करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, ये भी याद रखना है। बद्यकरण करने की कौन सी विधियां हैं, ब्रेडिजो कास्ट्रेटर, ठीक है। दो नंबर होते हैं चीरा विधि या सर्जिकल विधि। 3 नंबर होती है इलास्ट्रेटर विधि, जिसे हिंदी में बोलते हैं रबर विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? रबर विधि। सबसे पहले है ब्रेडिजो कास्ट्रेटर, और यही इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि यह सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, कि बद्यकरण करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ब्रेडिजो कास्ट्रेटर, ठीक है। किसमें प्रचलित है भाई, गाय व भैंस में सर्वाधिक प्रचलित है, रुधिर विहीन विधि है, यानी कि इसमें रुधिर का कोई भी स्त्राव नहीं होता है, ठीक है ना। तो बद्यकरण करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, ब्रेडिजो कास्ट्रेटर होती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, गाय भैंस में सर्वाधिक प्रचलित है। फिर इसमें याद रखना कि कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो यंत्र का भी याद रखना, नाम से यंत्र है ब्रेडिजो, यंत्र का ज्यादातर पूछा जाता है कि बद्यकरण करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो ब्रेडिजो यंत्र काम में लिया जाता है। फिर है चीरा विधि या सर्जिकल विधि, सर्जरी के द्वारा दोनों वृषणों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, बाहर निकाल दिया जाता है। इस विधि का उपयोग सूअर में काम में लिया जाता है। तो देखो ब्रेडिजो कास्ट्रेटर में तो रुधिर विहीन था क्योंकि उसमें रक्त का स्त्राव नहीं होता है, लेकिन जब चीरा लगाएंगे, जब इसका हम बोलते हैं कि सर्जरी करते हैं या सर्जिकल करते हैं, तो उसमें तो खून तो बहेगा, है ना, तो इसमें खून बहता है। फिर है रबर बैंड विधि, जिसे क्या बोला था अभी हमने, इलास्ट्रेटर विधि, है ना। तो यह क्या होती है, अधिक दर्द युक्त विधि होती है, यह भेड़ व बकरी में प्रचलित होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो नर पशु के, इसमें क्या करते हैं, नर पशु के जो वृषण होते हैं, इन वृषणों के यहाँ पर क्या भी एक रबड़ पहना दिया जाता है। ये वृषण होते हैं, इन वृषणों में क्या होता है, इस प्रकार का ये रबड़ होता है, इस रबड़ को है जो यहाँ पर पहना दिया जाता है। इस रबड़ को पहनाने के कारण जो वृषण की जो भी नस होती है वो यहाँ से दब जाती है, जिसके कारण इसमें कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होती है, और इसके कारण ये निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यह सबसे क्या भी दर्द युक्त विधि है, किसमें अपनाई जाती है, भेड़ व बकरी में प्रचलित है। फिर बद्यकरण की हुई मादा, तो हमने कल पढ़ा था ना कि मादा पशु का गर्भाशय हटाना, हम ना टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था कि मादा पशु का गर्भाशय हटाना क्या कहलाता है, स्पेइंग कहलाता है। उसी प्रकार है कि बद्यकरण की हुई मादा क्या कहलाती है, भी स्पेइंग, क्या होती है, भी स्पेइंग, ठीक है। फिर है वैसेक्टोमाइजेशन, नर पशुओं की शुक्रवाहिनी को काटना, नर पशुओं की शुक्रवाहिनी को काटना क्या होता है, वैसेक्टोमाइजेशन, वैसेक्टोमाइजेशन। फिर है बद्यकरण करने का औजार कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रेडिजो, कौन सा होता है, ब्रेडिजो। बद्यकरण करने का औजार कौन सा काम में लिया जाता है, ब्रेडिजो काम में लिया जाता है।
तो हमने आज दो टॉपिक के बारे में चर्चा कर ली है। एक तो है एनिमल्स आइडेंटिफिकेशन और दूसरा है बद्याकरण करना। तो दोनों में से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का कोई भी जो टॉपिक है वो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको छोड़ दें, इसको ज्यादा महत्वता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्यादा कोई बड़े टॉपिक भी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है। तो धन्यवाद दोस्तों।